कैंट पुलिस ने फर्जी अकाउंट खोलकर धोखाधड़ी करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को रेलवे तिराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शमीम अहमद पुत्र स्वर्गीय मंजूर अहमद निवासी परसौनी थाना पुरंदरपुर जनपद महाराजगंज के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त वसीम अहमद ने इंजीनियरिंग कॉलेज पर गिट्टी बालू की दुकान किया था, आंध्रा बैंक से कार लोन लिया था, विराज मोटर्स के नाम से डीडी मिली थी। अभियुक्त वसीम व शमीम अहमद ने विराज मोटर के नाम से इलाहाबाद बैंक में खाता खोलकर शमीम अहमद ने अपने खाते में पूरा पैसा भुगतान कर लिया और उसके बाद धीरे धीरे एक माह के अंदर शमीम अहमद के द्वारा समस्त पैसा निकाल लिया गया, जबकि बैंक द्वारा कार खरीदने के लिए लोन दिया गया था। शमीम अहमद द्वारा बैंक खाता खोलने में जो आईडी प्रूफ, डीएल, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड सब गलत पाए गए थे। अभियुक्त वसीम अहमद व शमीम अहमद दोनों सगे भाई हैं, जबकि इनकी आईडी प्रूफ के जन्मतिथि में केवल एक माह का अंतर है। शमीम अहमद के भाई वसीम अहमद को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा जा चुका है और शमीम अहमद 2019 से ही फरार चल रहा था। उक्त मुकदमा प्रमोद कुमार गिरी, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, आंध्रा बैंक, सिविल कोर्ट कैंट गोरखपुर द्वारा दिनांक 30 जून 2019 को पंजीकृत कराया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, उप निरीक्षक महेश कुमार चौबे, हेड कांस्टेबल रामचंद्र पटेल, शरद यादव, सुजीत कुमार शामिल रहे। Thank you.